जनाब स्पीकर, और मोहतरमा आपका भी बहुत शुक्रिया और डोनाल्ड डक साहिबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपना आईनी मौकफ बयान कर सकूं। ठीक है, अब मैं ये बस आप कुछ पूछेंगे, मैं शुरू करूं? आप शुरू करें। उनको क्यों कह रहे हैं आप? मैं बीच में सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हुआ? अभी हुआ क्या है, अभी क्या हुआ? नहीं, ये जो सब कुछ हुआ पिछले 22-23 दिन से, 24 दिन से, बसाक है ये कौम के साथ? बसाक है इंतहाई सीरियस दौलत का मजाक, मैं तो ये कहूंगा। आईनी हवालों से अगर आप देखें जनाब स्पीकर, तो ये मजाक मजाक रखा हुआ है। आए दिन लड़के लड़कियां, खास तौर पर लड़के, लड़कियों को तो चलो खैर, ये ठुमके ठुमके ये क्या है? ये आयन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये अवाम पाकिस्तान की मजाक है, वोट के साथ मजाक है। नहीं, लड़के लड़के डांस करने पर एतराज है? नहीं, लड़कियों की तो खैर है, मैं कह रहा हूँ चलो लड़कियां डांस करती नहीं, नाच तो नहीं रहे, वो थोड़ी अच्छी भी लगती है लड़कियां डांस करती हुई। जैसे आप देखे ना, मैं नागन नागन डांस नच रहा, ये वाला जो था ये फिर भी लड़कों का एतराज, लड़कों का एतराज, क्यों लड़कों पे क्यों एतराज है? लड़के बड़े सकते हैं, इंसान ही है आप तो। मैं लड़कों के बारे में बड़ा पजेसिव हूँ, समझे? अच्छा, मतलब आपको नॉलेज हो जाएगा आपको इस बात का, लेकिन लड़कियों तक ठीक था, ठीक है, लड़कियों तक ठीक है, ठीक। और इन्होंने ये मजाक इत्तेहाद दर्जे तक पहुंच चुकी है, और क्या क्या इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, किसके लिए? मतलब कि ये देखे ना, आपको किसी का कोई एहतराम होता है, कोई बुजुर्गी का एहतराम होता है। मैं आ रहा हूँ और रास्ते में राष्ट्रवाद है जनाब स्पीकर, राष्ट्रवाद है। मैं घूम कर आया, कटेरे के पीछे से एक बंदा, उसके हाथ में डंडा, उस पर तीर लगे, कह रहा आ गए। मैंने कहा क्या होगा अगर तुम मुझे मारोगे? कहता मैंने आपको मारा ना, आप फट जाएंगे। मैंने कहा मैं आपको बड़ा वाला गुब्बारा हूँ जो फट जाऊंगा? ट्रू, ठीक है। इस तरह की जबान इस्तेमाल की, ये पीछे आई के जो लड़के लड़के हैं इनको तो तमीज नहीं है, कम से कम मैं उनकी माँ की उम्र का हूँ यार। नहीं, आप बड़े बुजुर्ग हैं हमारे सर, आप नहीं, मैं माँ की उम्र का हूँ। बाप देखो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये कर रहा है आपके साथ, बदतमीजी आपके साथ तो नहीं की, वो तो एक अपने आर्ग्यूमेंट्स लेके, वो लेजिटिमेट डिमांड्स लेके बैठे हुए भाई, धरने लगा रहे हैं ताकि आप जैसे जो सियासतदान है वो सुने उनकी बात। लेकिन सर इसका मतलब ये चले आप जवाब, एक जरूरी तरीका है ना सुने के आए तो पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट ऐसे पार्लियामेंट के अंदर घुस है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो बात है, उसमें ना इन्होंने अपनी बनियाना टांगी हुई है, वजह लिखा हुआ आप चेक करें, बनियाना टांगी हुई है। मैं तो समझ रहा हूँ सिर्फ का इश्तिहार है, अवाम की तो अवाम की क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है? आप ये देखिए ना जो सियासी मसाइल है, आप इसको अवाम के रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं? कुछ भी नहीं, मुझे ये बताए, ये जो अपना छिला हुआ मुर्गा चश्मे पैर के रस की तरह घूम रहा है, यू यू अजीब समूह वाला आदमी, ये जो जबान आपने इस्तेमाल की, हाँ ये क्या, ये आपको जेब नहीं देती? आप एक सीजन्ड किस्म के पॉलिटिशियन, आपसे अच्छी बात आती है, आपकी ये जबान मेरा ख्याल है कोई मुनासिब जबान इस्तेमाल नहीं किया। ये पीटीआई वाले जो है ये मेरे बारे में जबान ठीक इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको अभी बताया ना, मैं इनकी माँ की उम्र का हूँ, मैं इनकी दादी की, मैं बाप 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 माँ गलत बोल रहे नहीं, जेंडर बायसनेस मैं नहीं करूँ कम अज कम, मैं इनको अहमियत दिलाने के लिए माँ और दादी बोल रही हूँ। माँ की मिसाल खवातीन में शामिल होती है ना, तो आप देखे हेयर योग आपने कहा ना कि वो नाच सकती हैं, लड़कियां नाचें तो कोई बात नहीं, लड़कियां नाचें तो कोई इशू नहीं, उसमें कोई भी नाचे तो फर्क क्या पड़ता है? नहीं देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब मुझे बताएं कि ठीक है, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग है ना, जगह जगह इंस्टीट्यूट खुले हुए, आप शायद गलबर कराची वाले तो बाहर रोडों पे कर रहे हैं नाच रहे हैं, इसमें क्या नहीं, आप इसकी ट्रेनिंग लेके आओ, ट्रेनिंग लेके आओ फिर नाचो, मतलब ये क्या सर? अब आपको सेंस है नहीं, ताल कहीं चल रहा है, बीट कहीं चल रही है, आप ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें सारे गाने तो आप देखिए, कोई भी बॉलीवुड नंबर नहीं है, सारे तमीज के गाने जो आपसे मैं सियासी कोई बात सुनना चाह रहा हूं, आप बॉलीवुड नंबर की बातें करें, एक और इतराज़ इनको बता, खुद आ गवा इनको भी कह नहीं, कोई बात नहीं, नाच रहे, एक और इतराज़ है बच्चों उसमें, वो ये कि आप मुझे एक बात बोलते, आप जितने भी अच्छे डांसर हैं प्रभु देवा को उठा कर ले आए, आप मुझे बताओ वो अतुल्लाह इसा खैरवी के गाना कोई ऐसा नंबर है कि जिस पे डांस हो सकता है? यानी कि ऐसे गाने डालने चाहिए जो डांस बनता भी, कम से कम बंदा कोई चुलबुले गाने डाले, काम की बात कर ले, बेबी डॉल में सो दे दी इसकी, चलो स्टेप सुन दे आप, बेबी डॉल में सो दे, काम की बात कर ले, काम की। मैं आपको सुनाना चाह रहा था कि इससे पहले हमने 14 अगस्त से पहले जब मारवी मेमन से बात की,
खान साहब भी हमारे शो में सर बैठे हुए थे, सुनिएगा उससे जब आप जाते हैं, आज जैसे आपने तकरीरें की आज से पहले कल परसों मामला चल रहे हैं, वो आपका हक था, आपने वादा कर दिया, एहतजाज करना भी तो जमहूरी हक है सर, अगर वो एहतजाज करना चाह रहे हैं और पीसफुल है तो वाई नॉट। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि एहतजाज के कुछ तरीके होते हैं, कुछ जमहूरी तरीके होते हैं जी, और जो जमहूरी लोग होते हैं वो जमहूरी होते हैं। उस दिन पार्लियामेंट के अंदर आ रहा था, हेलो जी, मैं उस दिन पार्लियामेंट के अंदर आ रहा था, मैंने गाड़ी से मुंह बाहर निकाला, अभी गाड़ी चल रही चलती हुई, मैंने देखा कि यह रश है या नहीं, मैंने इतना मुंह निकाला किसी बच्चे का पा के मेरा मुंह पे लगा, पूरी पूरी फैमिली वहां पर है, यानी कि गंदगी फैला रहे हो। दूसरा आप देखिए पृथ्वी के ऊपर हमला कर दिया, तो आप लोगों ने भी तो उनके ऊपर हमला करवाया, आप लोग ने नहीं, मतलब यानी कि हमारी जमहूरी पर नहीं देखे, आप भी तो साथ ही है ना, आप भी पार्लियामेंट में, दुख है ना, हमें तो दुख है। उस रात को मैं जब सोया हूँ ना, कसम मैं सोया, मुझे बड़ी रिक्कत से सोया हूँ, पृथ्वी की नशरियात नहीं आ रही थी, और मैं तो अपनी तकरीर देख के सोने का आती हूँ, और मेरी तो तकरीबन रोज तकरीर चलाते हैं एंटरटेनमेंट। आप जो लाठी चार्ज किया आप उसके क्या उसके ऊपर आप कुछ नहीं कह रहे, टियर गैस जो किया है, मतलब आप भी जमहूरी सियासत पार्टी है, आप भी उसमें बीच में कोई आपका रोल नहीं है, कोई आप कुछ उसमें बात नहीं कर रहे, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी उन्होंने किया एक आम आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या था उनके पास, हाथ में लाठियां थी, तो लाठियों से ज्यादा क्या करती है, इंसान की कम है इज्जत, आपकी स्टेट बिल्डिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ठीक कह रहे हैं अशरफ भाई, लेकिन बात देखे देखे बात सुने, बात यह है मुझे आप ये बताए उस कंटेनर से आप प्रोवोक क्या कर रहे हैं, आप लोगों को एक मेरी बात कंप्लीट सुनिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं पीटीवी पे हमला कर दो, नहीं वो नहीं, दोनों जमात में सवाल भी है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये क्या कह रहे हैं पीटीवी पे हमला, आप उसको नहीं कह रहे, वो बेचारी डिस्टर्ब हो रही है, नहीं सुतरो बता सुतरो, आप सभी सबक सुनता होगा, अच्छा पीटीवी के ऊपर हमला, इमरान खान ने कहा मैं आगे आगे हूँ, सबसे पहले बे और कादरी है और फिर हमारी कौम है, ठीक है, ये इन्होंने ऐलान किया पीटीवी पे हमला करो, इमरान कंटेनर के अंदर आया, कादरी कंटेनर के अंदर आया, पीटीवी लगाया और उसको जूते मारने शुरू कर दिया कि हम सबसे आगे हैं, लोग जो है वो पीटीवी के अंदर घुस गए, वैसे ये कह रहे थे कि दोनों जमातें कहती है, ब्रेक ले ले एक मिनट, मेरा फोन आया, हेलो क्या करते हैं यार, प्लीज आप थोड़ी देर में लव यू ना करने लगे सर, क्या कर रहे हैं, उसको ना मार रहा है सर, क्विक ब्रेक खाती हूं जरा, महाराज साहब से जमुरियत का लेक्चर मिलेंगे थोड़ी देर में, मैं जरा अपने बाल दाए कर लूं सर, ये नहीं 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 सर क्या कर रहे हैं आप, क्विक ब्रेक यार, वापस आते हैं, मौलाना साहब ऐसा मौजूद है, उसके और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या बात नहीं, लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक है जी, वेलकम बैक खातिन आजाद, मौलाना फजल रहमान साहब किसी तारुफ के मोहताज हमारे साथ बैठे हुए, आप ये बताएंगे कौन से ऐसे मुतालबात जो आप समझते हैं कि बिल्कुल ही गलत थे, नाजायज थे, जो नहीं करने नहीं करने चाहिए थे, ऐसे क्या मुतालबात है उसमें, कोई एक मुतालबा मुझे आप एक बताए, तमाम के तमाम मुतालबात जो है वो उनके मैं उसको कहते नहीं करता हूँ, मुझे बताए, मुझे आप एक बात बताइएगा जरा अपने तहब्बुल से और इबाद से, कि हम वजीर आजम ये चाहता है ये ना, ये खाद खाद जो है ये उल्टे रे से फिर करा जाता है गोरा गोरा होकर, किसी का लीडर को आप ऐसे नहीं कर, किसी के लीडर है तुम्हारा लीडर होगा, और तुम्हारे जैसे लड़कियां जो लड़के जो है ना वो उधर जाके सेल्फियां ले रहे लड़कियों के साथ, मैं तुम्हारे भी बच्चा लेते समझता हूँ, सर मैं वहाँ गया नहीं, मुझे जरूरत है ना मेरा कोई, किसी लीडर को सब एक मतलब चाहते हैं उसकी तरफ जा रही है, गैर आईनी मुतालबा है कि आप वजीर आजम को उठा के बाहर फेंके, तो इमरान खान साहब क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि जो रिगिंग हुई है वो गलत हुई है, आप स्टेप डाउन करें, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि स्टेप डाउन करें, वाह वाह स्टेप डाउन, कल को फिर कोई उठ कर आएगा कि बोलेगा कि भाई जमहूरी तरीका है, हमारे घर के अंदर जो है वो प्रेशर कुकर में आलू और गोश्त ठीक नहीं बना, तो लिहाजा आप वजीर आजम साहब प्लीज उतर जाए, आप नहीं तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छी चल रही है, कोई भी आवाम के कोई इश्यूज नहीं है, गुर्बत नहीं है, कोई पॉलिसी मुतालबात की बात की ना आपने, मुतालबात जो है काफी सारे मुतालबात जो है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो बड़े माँ की कूल थे, माकूल थे, माकूल मुतालबात थे सिवाय वजीर आजम के, यार ये कोई दिस इज नॉट वो कि आप वजीर आजम को उठाकर आप उसको बाहर निकाल दें और बोले कि ये हमारा आईनी बाप नहीं है, यहाँ पर मेरा खून खोलता है, मुझे ये बताए इमरान खान हम जो है अवाम को वोट लेकर आए ना, हम अवाम को वोट लेकर आए या किसी ऐसे जुगाड़ पे अंदर से ना, तो उसका एक आईनी तरीका आईन के अंदर लिखा हुआ है, मुझे आप बताइए इमरान खान जो उम्र में मुझसे कोई 4 साल बड़े हैं,
आपसे बड़े उल्टे रेजर नहीं होंगे, बड़े होंगे, मुझे बताएं। अच्छा हां, नहीं नहीं मुझसे चार साल, ये तो काफी यंग है। हां आई एम क्वाइट यंग, आई हैव सिक्स पैक इनसाइड माय बॉडी समवेयर। सर फरी तो अच्छा जी, और क्या नाम है वो जो है इमरान खान, वो बल्कि इस हिस्से में आके जो है वो वजीर आजम बने के लालच पड़ गई है। ठीक है, अब मुझे आप बताएं अगर वो वजीर आजम बन भी जाता रुक गया। देखो बात ये है कि अगर 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 जो है इमरान की बात आ रही तो ये बातें होंगी, पर इमरान की बात है तो ये बातें पर्सनल को छोड़े असैसिनेशन, मैं अभी आपको बताता हूँ असैसिनेशन क्या है। खुशी ये अगर वजीर आजम बन भी जाए, मिसाल देता हूँ, अगर ये वजीर क्या माहौल होगा हमारी पार्लियामेंट का, क्या माहौल होगा, मैं बताऊँ क्या, मैं बता रहा हूँ ना, ये एक ट्रेडमिल पड़ी भी होगी, जनाब स्पीकर उधर बैठे होंगे और ये ट्रेडमिल कर रहा होगा। ऐसे तो नहीं है, और क्या होगा प्लीज, ये सलमान अहमद गिटार बजाएगा सबसे पहले और बोलेगा आज पार्लियामेंट का इजलास शुरू किया जाता है जुदूद की तरफ। तीसरा आप देखें शहजाद रॉय जैसे लूजर आदमी, वो हमारे दोस्त लूजर तो ना कहे, नहीं मुझे उसके गाने पसंद नहीं है तो लूजर फॉर यू ना, अगर वो जॉन बॉन जोवी की कॉपी करता तो अगर नाते पड़ता तो आपको अच्छा लगता, नहीं वो एक बात मैं और कंप्लीट करें और क्या होता, और तुम क्यों चुप बैठी हो डार्लिंग, तुम भी कुछ कहो। नहीं देखिए ये अब मतलब आप अली अजमत जैसे लोग, अली अजमत चलो ठीक है, मैंने नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पार्टी में एक एलियन भी रखा है जाना सक सही। एक एलियन आपकी पार्टी में एक, वो आप मतलब वो उनकी तकरीरें सुन के लगता है कि बलोचिस्तान तो मतलब तरक्की की राह पे पहुंचा हुआ, और वो जो है वो उनसे लेकिन बलूचिस्तान में इश्यूज हैं, आप इसको ना बोलें यार, आपके हमारी हमारी गवर्नमेंट ने अभी बलूचिस्तान के लिए क्या किया, क्या हमने सिर्फ ये बताएं, आप बताएं क्या किया, जमहूरियत को ही बचाना या कोई काम शाम भी काम तो नहीं करेंगे ये लोग तो इसके बाद आपको अच्छा यही हुआ, हद है क्या पता है, जब एस पी साहब उसको मार रहे थे अपना चुलबुल पांडे को, चुलबुल पांडे बेचारे को जो मार रहा है वो जो एस पी था कौन था वो, जी 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 यार ये छुड़ाने गई है सिर्फ, और इसके हाल देखो क्या किया इसने जमाने का, क्या कैसा ठीक ठाक है, ये देखो इधर इसके ये कान के पास सर, लेकिन ये देखें मौल साहब, अब आप मुझसे पता नहीं एग्री करें ना, लोग जो है ये बात तो कंफर्म है ना कि लोग निजाम बदलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि लोगों के पास खाने को नहीं, आप लोग तो चलो दोनों जो है वो ये बतख अंडा देते होगी तो खा लेते हो, आप बतख खा जाते, लोगों के पास खाने को नहीं है, नहीं बिल्कुल आप नहीं, तो वही कह रहे हैं अवामी मसाइल, आप लोगों ने जमहूरियत के लेक्चर हमने सुने, हम खुद साथ थे और उसको जो शुरू से, अब पता नहीं कौन तारीख के सही हिस्से में है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके अलावा आप लोगों सिर्फ तकरीरों के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, ये बात खान साहब की ठीक है कि आप लोगों ने सिर्फ मंजन फरोशी के अलावा मतलब जमहूरियत सिर्फ तकरीरों से बचानी है, आप काम कैसे होंगे सर, काम किधर है, काम क्यों, एक कोई ऐसी बात बता दो जो के काम है, जहाँ तक हमारी अपनी मेरी जाती हैसियत में मेरी पार्टी की बात है, हमने जमहूरियत हुकूमत का नाम रखा हुआ है, चाहे उसके अंदर कोई डिक्टेटर है चाहे वो जमहूरियत हम उनके साथ हो गए, और मैं आपको बता दूं आपने तो डिक्टेटर का बड़ा साथ दिया, डिक्टेटर ना नहीं, हम अभी यही तकरीर हम भी की एग्जैक्टली, और फिर आप जमहूरियत के लिए, मैं डिक्टेटरशिप के खिलाफ, वो भी जो थाईलैंड में डिक्टेटरशिप है मैं खिलाफ हूँ, सही सर मतलब, लेकिन आप पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप के खिलाफ कभी नहीं बोला, मैं करूंगा बैंकॉक की सड़कों पे मेरा एहतजाज होगा थाईलैंड के, लेकिन आपको इमरान खान से क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आती मतलब क्यों, कि केपीके में उन्होंने आपका वोट बैंक जो है वो क्या मतलब, क्या आपको प्रॉब्लम क्या है इमरान खान से, इमरान खान देखे वो भी जमहूरी पार्टी है, इमरान खान जमहूरी पार्टी है, ये जमहूरियत की हरकत है, बिल्कुल आपकी पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि अब तो कोई पार्टी इतने इलेक्शंस डिसिप्लिन, मैं अपनी पार्टी में इलेक्शन करवाता हूं लेकिन वोटर भी मैं खुद ही होता हूं, हमारा लॉ है हर जगह जैसे लॉ है, बहुत अच्छा कुछ भी हुआ इन सारी चीजों से, हर जगह के अपने लेकिन कुछ गलत भी है, जैसे ये कह रहे हैं कि वो बनियान वगैरह लगाए हुए, मतलब ये तो ना ये तो बात है, ऐसी हम कौन सा कोई मतलब वो अमेरिका नहीं, हद ये है, चलो यार अपने मॉल ऐसे ही है, चलो चलो आपको एक अच्छी सी बनियान भी लटका दो, वो जेबों वाली बनियान लटकाएंगे, आप खुद जेबों वाली पहन दे, लेट्स हैव क्विक ब्रेक, वापस आते हैं मौलाना साहब साथ हैं, उसके बाद हमें मेहमान भी हमारे ज्वाइन करेंगे, क्विक ब्रेक।
जी वेलकम बैक खवातीन आजाद। जैसा कि हमने आपको बताया, मौलाना साहब आप देख रहे थे हमारे साथ बैठे हुए थे, बड़ी अहम गुफ्तगु हो रही है कि क्या हुआ इन सारे 22-23 दिनों में, और अब ज्वाइंट सेशन में किस किस्म की बातें आ रही हैं, और पलड़ा किस तरफ है, आप कुछ हिफ्जा कह रही थी। मैं तो ये कहता सर, निज़ाम बदलने का कोई तरीका आप बताएं कि ये तरीका आपको माकूल लग रहा है। पाकिस्तान के अंदर वाज़ह तौर पर एक तरीका मौजूद है जिसके तहत निज़ाम बदला जा सकता है। क्या तरीका है? अब ये आईने पाकिस्तान कोई खाने बनाने की तरकीब वाली किताब तो है नहीं कि मैं बोलूं सफर नंबर 5 पे ये है, सफर नंबर 8 पे ये है, सफर नंबर 10 पे। सर आप बहुत एंटरटेन करते हैं। सर आप ये कह रहे हैं कि जाके पढ़ लें, खुद आप जाके खुद पढ़े, थोड़े रिसर्च गूगल शूगल करे ताकि आपको पता चले। आप लोगों को, आप लोग नई पौध है, मुझे तो हर जवान पीटीआई का लगता है, हर नौजवान से मुझे शिकायत, ये बतख भी पीटीआई के। नहीं सर, नहीं बतख नहीं, वाली जारी साहब ने हमें ज्वाइन किया होगा, वो पीटीआई वही बतख। नहीं वो बतख। अली जारी साहब आपका शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे बुलाया जी। सर ये जरा कुछ बताइएगा जारी साहब, ये कुछ क्या माहौल बन रहा है? खान साहब सुना है बगैर इस्तीफे लिए वापस जाना पड़ेगा उनको। मैं आपके सवाल के जवाब से एक बड़ी हमली मौलाना साहब से दो सवाल पूछ सकता हूँ? सर सर प्लीज प्लीज गो अहेड। मौलाना साहब आजकल वो कीमत जरा बता दें किधर जा रही है, ऊपर या नीचे कीमत? मैं आप गाड़ी में डलता है उसकी, लोगों की जो साजिश है ना जिसके तहत आप लोगों ने वो जो ट्रक में डलता है उसकी कीमत पूछ रहा हूँ, इंटरनेट के ऊपर जो जनरेटर में डलता है उसकी पूछ रहा हूँ। जी आप डीजल की बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरा, अच्छा अच्छा सीरियस है मौलाना साहब, एक एक सवाल और सीरियस है पूछे। ये आईन को आप लोग जो खड़े होके पार्लियामेंट में सारे कह रहे हैं बड़ी मुकद्दस किताब है, ये मुकद्दस किताब है कोई आईन की किताब? वेरी वेल सेड, ये ठीक बोला। मतलब आईन मुकद्दस नहीं है? नहीं कैसे, मैन मेड मुकद्दस तो वो होता है जिसमें तरमीम नहीं होती, अल्लाह का कलाम, ये तो आईन में तो तरमीम हो जाती है, ये कैसे मुकद्दस है? पहले मुकद्दस इन द सेंस के हम उसकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, जैसे मेरे मदरसे के बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं तो मैं मुकद्दस तो नहीं होता, लेकिन वो एक इज्जत का तरीकाकार है कि वो करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान की पार्टी का हर आदमी इमरान खान ही बनने की कोशिश करता है, विच इज रॉन्ग। अगर कोशिश भी करता है तो इमरान खान बनने की कोशिश करता है ना, आपकी पार्टी में अगर हर आदमी आपके जैसे बनने की कोशिश करे तो इस मुल्क का हाल क्या होगा? आप ये गलत बात ना करें।